समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी त्याग, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे प्यारे गुरुदेव के चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन। मेरे प्यारे दादा गुरुदेव के चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन। आज गुरु जी का जन्मदिन है, अवतार दिवस है, और इस शुभ मौके पर मुझे फलाना धाम जाने का मौका मिला। मौका नहीं मिलता, बल्कि ये कहा जाता है कि जिसको प्रभु बुलाएं, जहां बुलाएं, उसे वहां पर पहुंचना पड़ता है। इसमें हमारी कोई भी चॉइस नहीं होती। तो मुझे जब लंदन से आना था, तो मुझे ये था कि मुझे किसी का साथ मिले। तो पता नहीं कहां से अचानक भुवनेश्वरी बहन जी, बहन का पता लगा कि वो जाना चाहती हैं। तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि आप भी आएं, तो हम दोनों चलेंगे। कैसे भी हमने कम्युनिकेट किया एक दूसरे के साथ, और हमारा साथ बन गया। तो हम तीन लोग जो पलाना के लिए रवाना हो गए, और वहां पर हम 23 तारीख की शाम को पहुंच गए, और 23 तारीख को शाम को फिर हमने गुरु जी का जन्मदिन मनाने के लिए बहुत सारे गुब्बारों को फुलाया। और वहां पर जो साधक जन बैठे थे, गुरु के प्यारे बैठे थे, जिन्हों को प्रभु ने बुलाया था, वो सब वहीं पर थे। और उन सभी साधकों ने बहुत उत्साह दिखाया, जो कि पंप से उन्होंने खूब सारे गुब्बारे फुलाए, क्योंकि गुब्बारों का और जन्मदिन का आपस में बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। जहाँ पर गुब्बारे लगे हों, तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, क्या किसी का जन्मदिन है जो इतने गुब्बारे फुलाए हैं। तो वहाँ पर उतना उत्साह था सभी में, साधकों में। कुछ पंप से फुला रहे थे, कुछ ऐसे मुँह से ही, इतने बड़े बड़े गुब्बारे अपने मुँह से ही फुला रहे थे। मतलब बहुत अच्छा, रोमांचक था ये सारी चीज़ों को करना और देखना। वहाँ पर हम करते करते मतलब बातें भी कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। एक्चुअली में बातें तो नहीं कहते, क्योंकि गुरु की गोद में बैठे हुए थे, गुरु के स्थान पर बैठे हुए थे। सब में बहुत उत्साह भी था। तो वहाँ पर हम लोग ऐसे अपने अपने अनुभव सुना रहे थे। तो वैसे ही मतलब दिव्य अनुभव थे। देखो कितने प्यार से गुब्बारे फुला रहे हैं ये देख, मैं उनको देख देख के अचंभित हो रही थी, और कह रही थी कि इतने बड़े बड़े गुब्बारे आप कितनी आसानी से, क्योंकि हम जब टफ लाइफ में जीते हैं तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत सामान्य होती हैं। और मैं बात कर रही थी कि हाँ, हम सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग में सबके एक्सपीरियंस, जो भी उनके अनुभव हैं, को कौन कब जुड़ा, कैसे जुड़ा, क्या मिला। तो गुरु तो जैसे बता रहे थे, लोग गुरु की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था वो तो मतलब इतना दे रहा है, इतना दे रहा है कि पूछो मत। और हालांकि वहां पर हल्की हल्की ठंड थी, मगर अंधेरा था, ठंड थी। और जब ये गुब्बारे लगाकर उसको सजाया गुरु के स्थान पर, तो अपने आप में इतना अच्छा लग रहा था। सबने उसमें तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाए, और हमने कहा कि गुरुजी देखो, जैसे जन्मदिन को हम जब भी सोचते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जन्मदिन का मतलब है कि एक डेकोरेशंस और जो उत्साह, मतलब बड़ी खुशी की बात है। और इस पावन धरती पर प्रभु ने जन्म लिया हमारे लिए, क्योंकि हम जो भी साधक जुड़े हैं अपने प्रभु से, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्याग के मिशन से, उनके ध्यान साधना से, उनके सिद्ध योग से जुड़े हैं, तो इन हम सबको उन्होंने, प्रभु ने खुद चुना है। हाँ, हमारी कोई चॉइस नहीं होती। जैसे कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि किसी में समर्थ नहीं है कि वो गुरु को चुने, गुरु की इच्छा होती है कि वो अपने शिष्य को चुनता है। तो पूरे 23 तारीख की रात को पूरे 12 बजे हमने केक काटा, और बहुत ही उत्साह सबने दिखाया केक काटने का। केक भी एक ऐसा होता है ना कि जन्मदिन है तो केक मतलब काटा जाए, तो बहुत ही मतलब वनीला टेस्ट का, जैसे कि गुरुजी को वनीला बहुत पसंद थी, वनीला टेस्ट का जो केक था वो काटा गया। और सबको मतलब ये था, केक कटाए तो सबको लगता है कि केक हमें भी मिले, वो वाली बात थी। तो सब बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से क्लैपिंग की, भजन गाए गए, बहुत उत्साह से जकारे लगाए गए, और सबने उस दिव्य आत्मा को, दिव्य परमात्मा को, दिव्य शक्ति को, उस अनंत को महसूस किया। और देखो, बिल्कुल बच्चों को जैसे केक खिलाया जाता है, उनका अपने हाथ से अनुभव किया कि मेरे प्रभु यहाँ पर साक्षात विराजमान है। तो उनको अपने हाथ से केक खिलाया गया, और उसके बाद सबने बहुत 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 आनंद लिया। किसी को ये नहीं लग रहा था कि ये मेरा
मेरे घर में नहीं है, सबको लग रहा था जैसे मेरे प्रभु का जन्मदिन है, ये मेरे परिवार का जन्मदिन है, क्योंकि ये सारा गुरु परिवार था। इसमें किसी को ऐसे लिमिटेड लोग नहीं थे कि 5 आते हैं, इसमें अनलिमिटेड लोग थे, देश से आए थे, विदेशों से आए थे, कोई हॉलैंड से, इंग्लैंड से, नीदरलैंड और यहाँ पर इंडिया से, अलग अलग देशों से, साउथ इंडिया से बहुत बड़ी टीम आई हुई थी, और दिल्ली से आए हुए थे, गुड़गांव से, नोएडा से, और हमारी बहन जो हमारे साथ गई थी वो चेन्नई से आई हुई थी, कोई आगरा से आया हुआ था। तो सब जगह जगह, मतलब गुरु का परिवार तो सब जगह जैसे बहुत बहुत फैला हुआ है। तो बहुत ही आनंद था, बहुत ही आनंद था। मैं तो बस यही कहूंगी, रीत ना जानू, रिवाज ना मानू, मैं तो ठहरा सादा बंदा। कुछ हमें नहीं पता प्रभु कैसे करना है, जो दिव्य परम पिता परमात्मा है, जो अनंत है, उसके लिए, उसके अवतरण के लिए हम कैसे शुक्राना करें, कैसे कहें कि आपने हमें चुना, कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा, शब्द भी कम है और मनाने का भी हमें पता नहीं कैसे किया जाता है। जो भी ये अल्प बुद्धि को समझ में आया वो किया, और उन सबको मुझे पता है मेरे प्रभु ने स्वीकार किया। देखो कितनी ही प्यारा गुरु का स्थान लग रहा है, गुरु यहाँ पर साक्षात है। ये बहुत बड़ी एक टीम आप देख रहे हैं जो कि साउथ इंडिया से आई थी, ये बहुत ही बड़े लेवल पर प्रचार कर रहे हैं वहाँ की भाषा में, और इन्होंने बताया कि किस तरह से हर हफ्ते वो मतलब लाइव सेशंस करते हैं। और ये देखो, ये सुबह दिन के टाइम की सज्जा है, और दिन के टाइम जो है ना, जितने भी संगति सब अपने आराम से आए, क्योंकि रात को भजन मंडली थी, लंगर था, सबने लंगर खाया और भजन मंडली के सबने भजन सुने। जैसे रात को गुब्बारे फुलाए जा रहे थे, ऐसे दिन में यहाँ पर फूल मालाओं के लिए अरेंजमेंट किया गया था, क्योंकि अब गुरु जी को दूसरी पोशाक पहनानी थी, बहुत अलग तरीके से सजाना था, तो यहाँ पर फूलों की तैयारी की गई, मालाओं को पिरोया जा रहा है, उनको बड़ा बनाया जा रहा है, रंग बिरंगे फूल कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये प्रभु की बहुत बहुत लीला है, वो अपने आप से सुझाव देते हैं, क्योंकि इंसान में इतनी समर्थ ही नहीं है कि वो परमात्मा को सजा सके। वहां पर ऊपर पारुल है, देखो वो कितने प्यार से गुरु के स्थान को सजा रही हैं, और जिस साधक को जो समझ में आ रहा था, किसी के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं था कि आप ये करेंगे या नहीं करेंगे, जिसको जो समझ में आ रहा था वो अपने हिसाब से गुरु जी के स्थान पर अपना योगदान दे रहा था, और सभी में उत्साह था, मतलब किसी को ये नहीं लग रहा था कि मैं ना करूं, बिना कहे सभी अपने अपने हिस्सा डाल रहे थे गुरु के गुरु को सजाने में, गुरु के स्थान को सजाने में, जन्मदिन मनाने में। तो ये अपने आप में बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अद्भुत रहा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जरा तो इतना बता दो भगवन, जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रहकर मुझे से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। कितना ही खूबसूरत, देखो प्रभु का स्थान सज गया है, इसमें सभी का योगदान है, सभी का उत्साह है, और जन्मदिन है तो क्या ही कहें, उत्सव है ये तो। और ये जंगल में मंगन लगा हुआ है, क्योंकि आसपास आप देख रहे हैं कि सुनसान है, क्योंकि ये कुछ ऐसे खेतों जैसा दिखाई देता है, और वहां पर ये दिव्य स्थान है प्रभु का, और जहाँ पर वहां पर भी लोग पहुंच कर देखो अपनी हाजिरियां देते हैं, प्रभु के चरणों में साक्षात दंडवत करने जाते हैं, उनके उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और लंगर की इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, जो कि स्वादिष्ट मतलब दिव्य प्रसाद सब छकते हैं वहां पर, ऐसी जगह पर कि यदि वहां पर प्रभु विराजमान ना हो तो शायद वहां पर कोई ना जाए, मगर प्रभु वहां पर भी बुला रहे हैं। और आते वक्त में, आते समय में, क्योंकि यहाँ पर तो प्रभु की कृपा है, आते वक्त में तो यहाँ पर ऐसी भीड़ होगी कि शायद दो दो चार चार दिन भी शायद दर्शन करने के लिए आपको क्यू में खड़ा होना पड़े। तो ये जहाँ पर जंगल है, वहाँ पर मंगर लगाया है, लंगर लगाया है, मंगल किया है, पूछो ही मत कि प्रभु की कैसी कैसी कृपा है। और इस अब सूरज की रोशनी आ गई है,
तो रात का अंधेरा छट गया है, तो सूरज की रोशनी में प्रभु जी चमक रहे हैं और सारी संगत बहुत खुश है। हमने बहुत ही आनंद किया यहाँ पर, सभी से बैठे बातें की और अपना अपना योगदान दिया, खूब प्यारा सा प्रसाद खाया और बार 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 गुरु जी के पास जाते थे, बार बार जैसे कहते थे कि सामने जैसे बैठे हुए, अरे बैठे तो हुए हैं, जाके दो बातें और कराते हैं, इस तरह से चल रहा था। और फिर उसके बाद सजावट के बाद सारी संगत आराम से बैठ गई, क्योंकि ये सबने ध्यान करने का निश्चय किया कि चलो हमें अब ध्यान करना है, तो अपने अपने अंदर में अपने प्रभु को उतारना है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, मुझी में रहकर मुझी से अपनी खोज ये कैसी करा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवान, लगी ये कैसी लगा रहे हो। तो अपने अंदर ही बैठे हुए हैं प्रभु, जैसा कि वो कहते हैं कि हम, मैं और आप अलग नहीं हैं, तो अंदर ही बैठे को अंदर ही खोजना है, ये उसकी लीला है, ये कैसा रहस्य है हम नहीं जानते, मगर इस दिव्य स्थान पर पहुँच कर जब हम ध्यान करते हैं, जो उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, जिस ऊर्जा में हमें लगता है कि हम अपने आप में नहीं है, तो ये अपने आप में बड़ा ही दिव्य है। सभी ने ध्यान लगाया, सभी बहुत गहरे बैठे और बिल्कुल शांत, जैसे एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज आए, इतनी शांति से सब बैठे हुए थे और सभी का ध्यान इतना आनंदमय लग रहा था देखने में, और ऐसा लग रहा था कि अंदर अंदर सभी ने गुरु जी के चरण पकड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि जिस शरीर को योग की जरूरत होगी, वो संजीवनी मंत्र के साथ वो यदि ध्यान करता है तो उसके शरीर में योग होना शुरू हो जाएगा। तो गुरुजी को जिन साधकों को जरूरत थी वहां पर, उन लोगों को योग भी हुआ और जिनके शरीर में कोई रोग थे, शायद उनके अंदर से जो आंतरिक इलाज, गुरुजी कहते हैं कि अंदर से एक रोग भी नहीं रहेगा, तो वो भी शायद वो छठे होंगे, ठीक हुए होंगे, हो ही रहे हैं, सारी संसार में हो रहे हैं। आप संसार में कहीं भी बैठे हैं, यदि आप संजीवनी मंत्र का जाप करते हैं और समर्थ सद्गुरु जी का ध्यान करते हैं, तो कोई वजह नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई बहाना नहीं कि वहां पर आप पर कृपा ना बरसे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जिसने ये मंत्र को किया और सिद्ध योग में आया तो उसका कल्याण निश्चित है, मगर आता वो ही है जिन्हें वे स्वयं बुलाते हैं। तो ऐसा आनंद, ऐसी चीज जो हम लोगों ने गुरु जी के स्थान पर देखी और महसूस की, उस ऊर्जा को महसूस किया और सब ने, पूरे परिवार ने बैठकर खूब ध्यान, प्यार से ध्यान किया। और ये आप सब देख रहे हैं कि आसपास बिल्कुल सुनसान जगह है, मगर यहाँ पर कैसी रंगरलियां मनी हुई हैं, सज धज कर सभी अपने अपने प्रभु के जन्मदिन पर अपने अपने हिसाब से हाजिरी लगाने आए हैं। तो ये बहुत ही प्यारा और प्यार नुमा क्या बात है, मतलब मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, क्योंकि जब आप किसी जगह पर प्रेजेंट होते हैं तो उस चीज को आप महसूस करते हैं, उस चीज का आपको पता लगता है कि मैं हूँ कहाँ और यहाँ पर क्या चीज हो रही है, क्योंकि वो जो ऊर्जा है वो आपको महसूस कराती है, अपने आलिंगन में ले लेती है, अपने अपनी बाहों में लेकर प्रभु जी प्यार करते हैं, जैसे पिता ने अपने गले से लगा रखा हो ऐसा महसूस करवाते हैं प्रभु। और सभी लोग अपने अपने ध्यान में पूरी तरह मगन थे, जिसका कि पूरा पूरा आनंद लिया गया, ये प्रभु के बिना संभव ही नहीं है, वो चाहे तभी ये संभव है। तो मैं तो यही कहूंगी, गुरु ही पार लगाई, गुरु जैसा ना ही कोई दूजा, भेद खुला है भाई, कीमत किसने पाई गुरु की, कीमत कहीं न जाई, ऐसे गुरु को सद बलिहारे, अंत न पारा जाई, अंतर है तू बाहर भी तू, अंदर है तू बाहर भी तू, सब में रहा समाई, गुरु ही पार लगाई, गुरु ही पार लगाई। और ये बात बिल्कुल सच है, गुरु ही पार लगाता है, गुरु का जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम जीवन में भटकते रहते हैं, क्योंकि हम कहीं भी पहुंच नहीं सकते यदि हमारे जीवन में गुरु नहीं है, और यदि किसी भी रूप में गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो समझो बड़ी कृपा है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को चिंता है। अपने गुरु के चरणों में इन सभी ध्यानियों की एक ही प्रार्थना है, कैसा होगा वो समा, पाएंगे हम मंजिल जहां, कब हमें ले जाओगे, कब हमें
पहुंचाओगे। और पहुंच सभी ने जाना है, सभी की यात्रा है, कोई आगे कोई पीछे, जो समय है वो सभी का निश्चित है, इस जन्म में अगले जन्म में या कब हम नहीं जानते, मगर सभी ने उस मंजिल पर अपने परमपिता परमात्मा में समाना है। ये ध्यान ही है जिसे करने से हम अंदर की यात्रा शुरू करते हैं, और अंदर में ही वो प्रभु छिपा हुआ है, वो हमें आलिंगन कर लेता है, हम आत्मा से परमात्मा हो जाते हैं। और ये इस बिल्कुल आसान विधि है, सिर्फ आप ध्यान करो और प्रभु को पाओ। सभी ध्यानी अपने अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, और ध्यान के बाद वहाँ पर आरती हुई। आरती में सभी ने खूब उत्साह के साथ अपने अपने प्रभु को दिया किया, आरती उतारी और गुणगान किया। ओम जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूरत धारी, वेद पुराण बखानत गुरु महिमा बारी। ओम जय जय जय। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीने, गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि यतन कीजे। ओम जय 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 गुरुदेव। माया मोहन दी जल जीव बहे सारे, नाम जहाज बैठा कर गुरु पल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े बारे, ज्ञान खड़ग दे करके गुरु सब संहारे। ओम जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, वचन सुनत तम नाशे सब संशय हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे, ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति लीजे। ओम जय 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 दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक
भव बंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूरत धारी, वेद पुराण बखानत गुरु महिमा बारी। ओम जय 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 जप तप तीरथ संयम दान विविध दीने, गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि यतन कीजे। ओम जय 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 गुरुदेव। माया मोहन दी जल जीव बहे सारे, नाम जहाज बैठा कर गुरु पल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मसर चोर बड़े बारे, ज्ञान खड़ग दे करके गुरु सब संहारे। ओम जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। ओम जय। चंद शब्द यही कहना चाहती हूँ प्रभुवर, जरा तो इतना बता दो गुरुवर, लगी ये कैसी लगा रहे हो, प्राण भी तुम हो तुम्हें हो प्रीतम, नैन भी तुम हो तुम्हें हो मधुबन, तुम्हें पुकारूं तुम्हें को ढूंढूं, अजब ये लीला करा रहे हो, जरा तो इतना बता दो गुरुवर, लगी ये कैसी लगा रहे हो। गुरु के बहुत ही दिव्य प्यारे शिष्यों से भी मिलना हुआ, और ये जो कार आप देख रहे हैं ये गुरु जी का सिंहासन रही है कई कई बार, जिसमें गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी के चरण कमल पड़े हैं, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा की है इस कार में बैठकर। तो ये भी हमारे लिए एक दिव्य वाहन है, जिसको इसमें उसी की ऊर्जा है, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मटेरियल में या लाइव में हर जगह परमपिता परमात्मा की ऊर्जा है। तो उसके स्थान को, उसके कण कण को, इस मिट्टी को, इस धरती को, आकाश को कोट कोट नमः। शुक्राना 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 प्रभु हमें साक्षी बनाने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।